नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे मलेशिया से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर मलेशिया की अपडेट दीजिए। भाई मलेशिया की क्या अपडेट दें, मलेशिया तो खुद ही अनअपडेट हो रहा है। अनअपडेट मतलब समझते हैं ना, कोई अपन सॉफ्टवेयर मोबाइल में डालते हैं फिर वो अपडेट मांगने लग जाता है, क्योंकि वो फिर धीरे धीरे रुक रुक के चलने लग जाता है। तो उसको अपडेट करेंगे तो फिर वो वापस अपनी गति में आ जाएगा, लेकिन वो तो खुद ही अनअपडेट चल रहा है। उनको तो बढ़िया कि अनइंस्टॉल ही कर देना चाहिए। ये स्थिति है मलेशिया की। अभी आपको पता है मलेशिया ने पहले बोला आउटपास ओपन हो गए जी, वर्क परमिट ओपन हो गए जी, सब कुछ ओपन हो गया जी, लगा लो इंडिया आ जाओ वगैरह वगैरह। लेकिन अब क्या हुआ, सरकार ने खुद ने घोषणा की थी कि भाई आउटपास लगवा लो जी, वीज़ा लगवा लो जी, यहाँ बैठे हैं उनका समाधान हो जाएगा। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। बंदे बैठे हैं वहाँ पे, बहुत सारे लोग मैसेज आते हैं सर ओपन, सरकार ने बोल तो दिया लेकिन स्टार्ट नहीं किया, बताओ जी क्या होगा। तो मुझे तो लगता नहीं मलेशिया कुछ होने वाला है, लेकिन अभी एक नई अपडेट है वो आपको जरूर बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको नई अपडेट यूरोपीय कंट्री से रिलेटेड मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करना क्या भाई, मलेशिया में 46 लोगों को पकड़ा है, और पकड़ने वाले बंदे कौन है पता है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। जी हाँ साथी, उन्हीं को पकड़ा है जो इमिग्रेशन में काम करते थे। एयरपोर्ट पे आप जाते हो तो आपका डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उन्हीं के हाथ में होता है कि आपको एंट्री करनी है, आपको वापस निकालना है वगैरह वगैरह। उनको बता दूं मैं, उनमें लगभग 46 पीपल्स टोटल थे, उसमें से 27 अधिकारी थे, इमिग्रेशन अधिकारी, और 14 एजेंट थे दलाल। जी हाँ, टोटल 46 पीपल्स को पकड़ा गया है। उनके ऊपर आरोप क्या लगा है कि जो दलाल हैं, जो 14 हैं, उनका काम क्या था, लोगों के पासपोर्ट डुप्लीकेट। आपको सबको पता है जो मलेशिया जाना चाहते हैं, जो आ चुके हैं वो वहाँ रहते हैं। मलेशिया में क्या होता है, आप वहाँ पासपोर्ट गुम हो गया तो वहाँ आप दूसरा पासपोर्ट बनवा सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने बनवाए हैं, ठीक है। और आप मलेशिया में बैठे बैठे दूसरी कंट्री की एंट्री करके आप वापस आ सकते हो मलेशिया में, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, टोटल काम पासपोर्ट में हो जाएगा। और भाई एविडेंस क्या होता है, पासपोर्ट में होता है। तो ये 14 दलाल यही काम करते थे, इन 27 इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो अधिकारी, इनसे सेटिंग थी पर कैंडिडेट के 6,000 आरएम यानी रिंगिट तक ये लोग लेते थे। इनका काम क्या था कि बहुत सारे इलीगल वर्कर हैं उनको इन आउट आउट दिखा देना, पासपोर्ट के अंदर झूठी मोहर लगवा देना इमिग्रेशन की, ठीक है। या जो ब्लैक लिस्टेड हैं, जो आ भी नहीं सकते मलेशिया, जा भी नहीं सकते, उनको ये लोग काउंटर देते थे। जी हाँ, काउंटर से उनको निकालना, काउंटर से उनको वापस बुलाना, ये काम करते थे। तो इनकी फिर शिकायत हुई वहाँ पे, तो इन सबको वहाँ की इमिग्रेशन जो बड़े अधिकारी हैं उन्हें छापा मार के इनको पकड़ा गया। इनके पास से भारी मात्रा में पासपोर्ट जब्त हुए, नकली जो मोहर वगैरह जो भी इनका तामझाम था सब गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी 47 यानी कितने होते हैं भाई, सोचने की बात है, 46 पीपल्स को पकड़ा है, उसमें 27 इमिग्रेशन अधिकारी थे। तभी तो मलेशिया एक भ्रष्ट कंट्री में सबसे ऊपर आता है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है वहाँ पे। और होना भी है भाई, पुलिस को वहाँ पे क्या मिलती है, 1,000-1,200 रिंगिट तो उनकी सैलरी होती है, एक मजदूर के बराबर उनकी तनख्वाह होगी, तो पैसा तो ऊपर का चाहिए ना उनको, तो फिर उनका काम तो चलना उन्हीं घुस के पैसों से ही है। और इसीलिए लोग वहाँ बैठे बैठे, इसीलिए मलेशिया चौपट होता जा रहा है। कंट्री बहुत शानदार है, अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छी है, सिस्टम बड़ा अच्छा है, लेकिन वहाँ का जो ला सिस्टम है ना, कानून बड़ा गंदा है, भ्रष्टाचार भरा हुआ है जगह जगह, और इसका मुझे नहीं लगता इनका कोई समाधान हो पाएगा। इस वजह से इन लोगों को पकड़ा गया है। बस आज की अपडेट यही थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।